दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरी YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है, हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेते हैं या पुरानी जैसे प्रॉपर्टी लेते हैं तो सेलर कुछ न कुछ पॉइंट ऐसे रखता है जो बहुत अपने लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, अपने लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, फंस सकते हैं। तो ये 6-7 पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखने चाहिए और यदि इन पॉइंट्स का अपन ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसमें फंसने का चक्कर नहीं रहेगा या अपना पैसा जाने का चक्कर नहीं रहेगा। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रॉपर्टी पेपर चेक करें। अब क्या होता है, हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जो ओनर होता है या सेलर होता है वो आपको पेपर्स की फोटोकॉपी दे देता है और हर आदमी फोटोकॉपी से ही पेमेंट दे देता है या पहला जो बुकिंग अमाउंट है वो दे देता है। तो ये ध्यान जरूर रखें कि ओरिजिनल पेपर जरूर चेक करें। क्या होता है कि कई बार ओरिजिनल पेपर होते नहीं है या खो जाते हैं या उनमें से कुछ पेपर मिस हो जाते हैं। मान लीजिए कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, उसमें 4-5 रजिस्ट्री हो रखी है तो उसमें बीच की रजिस्ट्री मिस हो गई हो तो वो बाद में दिक्कत आती है। फिर क्या बोलता है कि आप मेरे से जो चाहे लिखा ले। लिखाने से काम नहीं होगा, आप वापस सेल करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ध्यान जरूर रखें, ओरिजिनल पेपर सबसे पहले देखें क्योंकि ओरिजिनल पेपर देखने से आपको पता चल जाएगा। सेकंड चीज क्या होता है, कई बार बैंक से लोन होता है तो आदमी बताता नहीं है लेकिन जब पैसा ले लेता है और फिर आपका लिंगर ऑन हो जाता है या फिर उस टाइम अपन एग्रीमेंट भी नहीं करवाते हैं कई बार। तो ये सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि लीगल जो ओरिजिनल पेपर है वो जरूर देखें क्योंकि उनसे आपको क्लियरिटी हो जाएगी और उसके बाद ही आपको पहला पेमेंट देना चाहिए। सेकंड चीज आता है कि कोई भी पुरानी प्रॉपर्टी अपन लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई किराएदार हो सकता है। तो ओनर क्या बोलता है कि ये मैंने अभी किराया दिया है 2 महीने पहले या 3 महीने पहले दिया तो मैं इनको खाली नहीं करवा सकता, तो आपको वो प्रॉपर्टी मना कर देना चाहिए कि नहीं लेना है। आप थोड़ा जोर देंगे कि आपको ये खाली करवा के देना है तो ही हम लेंगे, तो ऑटोमेटिकली खाली करवाएगा। क्या होता है उसमें कोई ना कोई इंटेंशन हो सकता है। आदमी जो लेता है ना वो भी क्या होता है कि एक लोभ के चक्कर में कि किराया आता रहेगा उस चक्कर में ले लेता है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको प्रॉपर्टी खाली करवा के ही लेना चाहिए। हो सकता है उसका कोई जानकार हो या उसने उससे पैसे ले रखे हो, किराएदार को कर रखा हो या उसको एग्रीमेंट कर रखा हो, कुछ भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, इसमें बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आती है प्रॉपर्टी के अंदर। किराएदार को खाली नहीं करवाया प्रॉपर्टी खरीद ली तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमेशा ध्यान रखें, पुरानी प्रॉपर्टी जब ले रहे हैं तो किराएदार को 100% खाली करवाना चाहिए। उस लोभ में नहीं जाना चाहिए कि हर महीने अपने को भी कुछ ना कुछ किराया आ जाएगा। इसके अलावा पहला पेमेंट हमेशा चेक से करें। क्या होता है रीसेल प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि सेलर बोलता है कि मैं यदि पूरा पेमेंट चेक से लूंगा तो मेरे प्रॉपर्टी गेन टैक्स लगेगा, मैं चेक से नहीं ले सकता। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, यदि आपके पास कोई केस पैसा है या कोई प्रॉपर्टी बेची है आपने तो उसका कोई नगद पैसा आया हुआ है तो आपको प्रॉपर्टी लेने चाहिए। कई लोग गलती क्या करते हैं, अपना जो एक नंबर का पैसा है जो आपके सैलरी का है, जैसे आपके पास जो अकाउंट के अंदर पैसा है उसको अपने रिश्तेदारों को जानकारों को ट्रांसफर करके केस विड्रॉ करके और फिर प्रॉपर्टी खरीदते हैं या अपने खुद के अकाउंट से भी नगद पैसा निकाल के टुकड़ों में निकाल के और प्रॉपर्टी लेते हैं। तो उसमें आने वाले समय में आप फंस सकते हैं क्योंकि जो भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं या आपने किसी को ट्रांसफर दिए तो वो हो सकता है इनकम टैक्स की नज़र में आता है तो दिक्कत होती है। सेकंड चीज, कल को आप उस प्रॉपर्टी को वापस सेल करते हो तो आपके लिए भी वही प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। तो ऐसा नहीं करें, मतलब आपके पास यदि नगद पैसा है तब तो इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, यदि नहीं है तो आपको निकाल के आपके अकाउंट में ट्रांसफर करके रिश्तेदार जानकारों के और वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। पेमेंट ज्यादा से ज्यादा चेक से करें और स्टार्टिंग में जो पेमेंट करते हैं वो कम से कम करें और डॉक्यूमेंट्स के साथ देखने के बाद आप पहला पेमेंट करें। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि ओनर एक से ज्यादा होते हैं। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी किसी फादर के नाम थी और फादर एक्सपायर हो गए, अब उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़की है या उसकी मदर है, तो उनमें उस प्रॉपर्टीज में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। उसमें क्या होता है कि आदमी क्या करता है, पेमेंट एक ही खाते में ले लेता है, बोलता है मैं ही ओनर हूँ
या बड़ा बेटा बोलता है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बैठा हूं ना आपको, ये वर्ड काम में नहीं ले। क्या होता है, लीगल लीगल की जगह है और आदमी आदमी की जगह है। तो आपको पेमेंट सबके अकाउंट में करना चाहिए और रजिस्ट्री सभी से करवानी चाहिए, या उन्होंने हक त्याग कर लिया हो या उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज हो, मतलब यानी कि न्यायालय से या रजिस्ट्रार ऑफिस से उन्होंने हक त्याग कर रखा है, तो वो आप एक आदमी के कर सकते हैं, अन्यथा आपको अलग अलग आदमी के नाम करना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक ही प्रॉपर्टी में तीन या चार ओनर होते हैं, तो कई बार उसमें क्या होता है कि एक आदमी बोलता है मेरे अकाउंट में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्री कराना मेरा काम, ये गलत है। आपको उनके अलग अलग अकाउंट में जितना उनका हिस्सा है, मान लीजिए चार पार्टनर है, तो 25-25% आपको ट्रांसफर करना चाहिए। अब सेम यही परिस्थिति आपके लिए आती है, मान लीजिए आप दो जने खरीद रहे हैं, तो आपको दोनों को बराबर पैसे डालने चाहिए। मान लीजिए आप दो आदमी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 50 लाख की, तो 25-25 लाख आपको दोनों को देने चाहिए। ये गलती करते हैं, इसमें बाद में आदमी फंस जाता है, तो ये आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उस पर आपको TDS काटना रहता है सेलर का। मान लीजिए आपने किसी से 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी सेलर से खरीद रहे हैं, तो आपको उसके अंदर TDS काटना रहेगा। अब TDS कितना कटता है, यदि इंडिया के अंदर बात करें, यदि भारतीय नागरिक है तो 1%, और NRI है तो उसके लिए अलग अलग टेबल्स होती है, उसके लिए आप उसको अपने CA से संपर्क करें। जो 1% TDS है वो आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाके 26QB जो फॉर्म है वो भर के, और उसमें अगले जो सेलर है सेलर के पैन कार्ड के आधार पे आपको उसको जमा कराना रहता है। उसमें क्या रहेगा कि आप यदि जमा TDS काटेंगे, और वो भी कैसे काटना है, आप जितना पेमेंट जितनी किस्तों में कर रहे हैं उतना करना चाहिए। यदि आप एक साथ TDS काट रहे हैं तो हो सकता है इनकम टैक्स से आपको नोटिस आ सकता है। आपने मान लीजिए 10 बार पेमेंट किया, तो 10 बार TDS काटना है और TDS जमा कराना है, और वो पैसा आपको कम करके देना है और सेलर को, तो ये ध्यान जरूर रखें। कई बार ये गलती करते हैं, TDS क्या होता है कि याद नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है, और सेलर तो आपको बताएगा नहीं कभी भी, क्योंकि ये आपके बाद में नोटिस आता है तब आपको जमा कराना पड़ता है। ये कई लोगों के पास नोटिस आया हुआ है, मेरे कई बार ऐसे कई कॉल्स आए हैं तो उनको दिक्कत हुई है, तो ये ध्यान जरूर रखें, TDS हमेशा काटना चाहिए। इसके अलावा एग्रीमेंट आप जब भी करते हैं तब आपको कम से कम अमाउंट देना चाहिए, और अमाउंट देते टाइम ही आपको एग्रीमेंट करना चाहिए। मान लीजिए आप बुकिंग अमाउंट दे रहे हैं, तो ओरिजिनल पेपर देखें, उसके बाद में आप एग्रीमेंट करें, और एग्रीमेंट के टाइम पे चेक दें, और वो कम से कम अमाउंट का देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा पैसा देने के बाद फंसने के चक्कर ज्यादा रहते हैं। वो लोन जरूर कराएं, लोन के लिए मैं हर बार बोलता हूँ, लोन आप जरूर कराएं, कि लोन से आपके प्रॉपर्टी पेपर वेरिफिकेशन हो जाएंगे। और मिनिमम का, अब इसमें क्या होता है, जो बुकिंग अमाउंट है उसका कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है, वो आप दोनों की आपसी सहमति से होता है। कई बार 10% पे होता है, कई बार 10% से कम ही होता है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा 10% से ज्यादा नहीं दे, कम से कम में आप एग्रीमेंट करें और उसके बाद में लोन प्रोसेस करवा दें। लोन जैसे ही प्रोसेस होता है तो प्रॉपर्टी पेपर वेरिफिकेशन हो जाते हैं, बैंक ओरिजिनल पेपर देखने के बाद में लोन सैंक्शन करता है, तो आप इस तरह से बच सकते हैं। अब क्या होता है, आपका एग्रीमेंट हो गया, और मान लीजिए रजिस्ट्री वाले दिन बंदा नहीं आता है, सेलर नहीं आता है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। वो कोई बहाना कर सकता है या एक्चुअल भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। मान लीजिए वो बहाना कर सकता है कि मैं आउट ऑफ इंडिया चला गया हूँ, मैं आउट ऑफ मतलब जहाँ सिटी है उससे बाहर चला गया हूँ, मेरे घर में कोई मौत हो गई है, कोई भी कारण हो सकता है। अब वो एक्चुअल भी हो सकता है और फ्रॉड भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। एक्चुअल है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सावधानी क्या बरतनी चाहिए, आपका जिस दिन रजिस्ट्री का दिन तय होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो उस दिन आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना चाहिए, और वहां जो भी आपकी उपस्थिति या जो हाजिरी लगने का सिस्टम है रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार से मिलके और उसको आप प्रूव करें, तो कल को कोई दिक्कत होती है कोर्ट के अंदर तो आप उसको साबित कर सकते हैं। मान लीजिए सेलर बोल सकता है साहब मैं तो गया था, ये आए नहीं थे, तो इसलिए आपको प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी हाजिरी लगवानी चाहिए, ये ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये काफी बड़ा पॉइंट होता है और कई जगह ये विवाद होता है। क्या होता है कि पैसा बड़ा चला जाता है तब ये ज्यादा दिक्कत होती है, छोटे अमाउंट में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, या लोन का केस हो तो लोन में तो वैसे ही दिक्कत नहीं होती है कि लोन तो रजिस्ट्री के बाद पैसा जाता है,
लेकिन नगद में या अपने अकाउंट से पैसे देके जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें थोड़ी सी ये दिक्कत आ सकती है, तो इनको ध्यान जरूर रखें। ये 6-7 पॉइंट है, ये ध्यान जरूर रखें, क्योंकि प्रॉपर्टी लेते टाइम अपन कई बार ध्यान नहीं रखते, या सेलर बोलता है कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, मैं बैठा हूं, मैं लिख के दे दूंगा, मैं ये लिख के दे दूंगा। लिख के देने से कुछ नहीं होता है। सेकंड चीज, लिख के कोई देता भी नहीं है, बोलते सब हैं, प्रैक्टिकल में करते नहीं है, तो ये ध्यान जरूर रखें। इस तरह से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ये 6-7 पॉइंट को आप मद्देनजर रखते हुए यदि काम करते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं तो फंसने का चांसेस बहुत कम रहेगा। इसी तरह आप स्नेह बनाए रखें और लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं जो जानकारी है जुटाता हूँ, हो सकता है उसमें कोई मिस्टेक हो सकती है तो उसके लिए क्षमा करें। मेरा उद्देश्य है कि आपकी जिंदगी भर की जो कमाई है वो कहीं वेस्ट नहीं हो, कहीं गलत जगह नहीं जाए, गलत हाथों में नहीं जाए, इसलिए मैं थोड़े से कोशिश करता हूँ, तो इसमें आप सहयोग करें। और जहाँ भी कोई कमी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह से आप हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।